अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी और बॉटनी का एक अहम टॉपिक, मोनोकॉट्स वर्सेस डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स प्लांट्स? मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स प्लांट में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोकॉटिलीडन्स या मोनोकॉट्स के प्लांट में सिर्फ एक सिंगल कॉटिलीडन होता है एम्ब्रियो में, इसलिए हम इसे मोनोकॉटिलीडन कहते हैं। जबकि डाइकॉटिलीडन में इनमें दो कॉटिलीडन्स होते हैं एम्ब्रियो के, इसलिए हम इसे डाइकॉटिलीडन्स कहते हैं या डाइकॉट प्लांट। इसके अलावा जो इनके लीफ के जो वेन्स होते हैं वो पैरालेल होते हैं, जबकि जो कॉटिलीडन के जो वेन्स होते हैं वो नेट लाइक होते हैं या रेटिकुलेटेड होते हैं। रेटिकुलेटेड भी कहते हैं या नेट लाइक भी कहते हैं। इनके जो लीफ के अंदर वेन्स होते हैं वो नेट लाइक होते हैं। आगे हम देखते हैं वास्कुलर टिश्यू के बारे में। मोनोकॉटिलीडन्स में है कि वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड इन कम्प्लेक्स वे, बहुत ही कम्प्लेक्स तरीके से ये अरेंज किए हुए होते हैं प्लांट्स के अंदर। जबकि डाइकॉटिलीडन में वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन रिंग फॉर्म में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फाइबरस रूट सिस्टम होता है इसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर। मोनोकॉटिलीडन जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फाइबरस रूट सिस्टम होता है, लेकिन जो डाइकॉटिलीडन प्लांट्स होते हैं या डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनके अंदर डीप टैप रूट सिस्टम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है 5 पॉइंट हमारा, फ्लावर्स किस तरह के होते हैं। फ्लावर का जो प्लांट होता है वो मल्टीपल्स होता है ऑफ 3। जो फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं वो सिर्फ 3 होती हैं मोनोकॉट्स में, लेकिन जो डाइकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर किस तरह होते हैं, वो 4 या 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होते हैं फ्लावर्स। इसके अलावा नेक्स्ट है अब हमारे पास पोलन किस तरह होता है। पोलन जो होते हैं वो सिंगल पोर से होते हैं, लेकिन जो डाइकॉटिलीडन होते हैं उनके जो पोर्स होते हैं वो 3 पोर्स होते हैं पोलन के। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट 7 के, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो इनमें अब्सेंट होती है प्लांट में, किसमें? मोनोकॉट्स में। लेकिन जो डाइकॉटिलीडन होते हैं या डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनकी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। एग्जांपल में कौन कौन से प्लांट आ जाती हैं? एग्जांपल में है मोनोकॉट्स की, सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ मोनोकॉटिलीडन्स। उसमें आ जाता है बनाना, पाल्म ट्री, शुगर केन, जिंगर, ऑनियन, राइस, वीट, कॉर्न, बार्ले, ये सब जो है ये मोनोकॉटिलीडन्स के प्लांट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ डाइकॉटिलीडन्स। डाइकॉटिलीडन्स में कौन कौन से आ जाते हैं? मैंगो, एलमंड, बीन्स, पीज और पीपल। इन सब के जो एम्ब्रियो होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉटिलीडन इन्हें कहा जाता है, इसलिए इन्हें हम डाइकॉटिलीडन के एग्जाम्पल में रखते हैं। अब नेक्स्ट हम इसे फिगर की मदद से सीखते हैं कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या फर्क होता है। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसके जो दो कॉटिलीडन होते हैं डाइकॉट्स में, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंगल कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट्स में। इनके जो फ्लोरा पार्ट्स होते हैं वो 3 पर सिर्फ डिवाइड किए जाते हैं, 1, 2 एंड 3, ये रेड कलर में शो किए गए हैं। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं इनके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 4 या 5 में डिवाइड किए गए होते हैं। इनके जो लीफ होता है वो नेट लाइक होता है, लीफ के अंदर जो वेन्स होती है वो नेट लाइक होती हैं, लेकिन जो वेन्स मोनोकॉट्स प्लांट में होते हैं उनकी वेन्स जो होते हैं वो पैरालेल होते हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, इनकी जो वेन्स होती है वो पैरालेल होती हैं। नेक्स्ट है पोलन किस तरह होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एक या सिर्फ एक ही पोर पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो पोलन ग्रेन है डाइकॉट्स के वो 3 पोर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा लास्ट में दिखाया गया है फिगर में कि जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं मोनोकॉट्स के वो कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा वास्कुलर बंडल्स टिश्यूज जो है वो कम्प्लेक्सली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वास्कुलर बंडल्स का वो अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिगर की मदद से कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के प्लांट के स्ट्रक्चर में किस तरह डिफरेंस होता है। ये एक डायग्राम है, आप देख रहे हैं ए डाइकॉटिक प्लांट ब्रासिका। ये पहले पहले देख रहे हैं कि इसका जो टर्मिनल बर्ड होता है और फ्लावर जो होते हैं वो इस तरह से होता है डाइकॉट का। ये ब्रासिका जो है प्लांट, ये डाइकॉट प्लांट है और इसके फ्रूट्स, स्टेम्स और इसके रूट सिस्टम जो होता है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये है मोनोकॉट प्लांट का या मेज का प्लांट,
इसमें देख रहे हैं कि लीफ इस तरह से होते हैं इसके बिल्कुल पैरालेल से, और इसकी जो लीफ शीट होती है, इसके अलावा फीमेल पार्ट जो होता है वो यहाँ पर होता है, और इसका मेल पार्ट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद इनफ्लोरिसेंस होता है इसका इस प्लांट में, और जो फीमेल इनफ्लोरिसेंस पार्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर होता है। जी, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो अबाउट डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स प्लांट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।